डॉट पॉडकास्ट लोग कैसे बनाए मीट डंपलिंग्स आप पहले से ही जानते हैं कि मीट बंस को नरम क्रस्ट पोर्क फिलिंग और बटेर अंडे के साथ कैसे बनाया जाता है पहले स्वाद से ही आकर्षक स्वाद नीचे दिए गए निर्देशों को अनदेखा न करें यदि आप इस स्वादिष्ट और पौष्टिक गुलगुले को अपनी रसोई में ही प्राप्त करना चाहते हैं मीट बंस हर किसी के लिए एक बेहतरीन स्नैक है खासकर खाली पेट सफ़ेद पपड़ी दुबला मांस बटेर अंडे बिल्ली के मशरूम के साथ मिश्रित अंदर स्वाद से भरपूर पकौड़ी को कई लोगों का पसंदीदा व्यंजन बना दिया है यदि आप इस केक को घर पर बनाना चाहते हैं तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं चलिए रसोई में चलते हैं और एशियाई और यूरोपीय केक अभी बनाते हैं विषय सूची एक सामग्री तैयार करें दो घर पर सिंपल स्टीम्ड पोर्क बंस कैसे बनाएं? एक केक का आटा तैयार करें बी मांस भराई तैयार करें सी केक में डी भाप से पका पाव तीन तैयार उत्पाद की आवश्यकताएं चार कुछ महत्वपूर्ण नोट्स एक सामग्री तैयार करें पाई क्रस्ट 300 ग्राम आटा 30 ग्राम चीनी नमक 10 ग्राम खमीर 150 मिलीलीटर फिल्टर्ड पानी केक भरना 250 ग्राम दुबला मांस 10 बटेर अंडे मशरूम हरा प्याज दो घर पर आसानी से कैसे बनाएं स्टीम्ड मीट पकौड़ी बेकिंग पाउडर तैयार कर लें 100 मिलीलीटर गर्म पानी में चीनी के साथ मिला खमीर डालें फिर अच्छी तरह से हिलाएं। पानी में घुलनशील सामग्री डालें तैयार मैदा को एक बड़े प्याले में निकाल लीजिए फिर इसमें चीनी और नमक डालकर मिक्स कर लीजिए सामग्री को समान रूप से फैलाएं। आटे में धीरे धीरे खमीर मिलाते रहें, थोड़ा पानी डालें, फिर अपने हाथों से आटे को कई बार गूंधे जब तक कि चिकना आटा न बन जाए अगर आटा आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा और मैदा मिला लें, लेकिन ज्यादा मैदा ना डालें, आटा सूखा होगा मिलाने के बाद आटे के कटोरे को ढकने के लिए एक नम कपड़े का उपयोग करें फिर पकौड़े के आटे को लगभग एक घंटे के लिए सेकें जब तक कि आटा फिर से फूल न जाए खमांस बनाना लीन पोर्क खरीदे धोए फिर कीमा करें कटोरे में मशरूम और हरा प्याज डालें, अच्छी तरह मिलाएं। फिर स्वाद के लिए थोड़ा और मसाला मैरिनेट करें बटेर के अंडे एक बर्तन में उबाले जाते हैं फिर खोल से छील कर पूरे छोड़े जा सकते हैं या आधे में काटे जा सकते हैं। फिर अंडे लपेटने के लिए तैयार करने के लिए केक मिश्रण फिर इसे काटने के आकार के बॉल्स में रोल करें केक में तड़के वाले पकौड़े के आटे को निकाल लें फिर आटे को लोचदार बनाते हुए फिर से कुछ बार गूंधे आटे को छोटे बराबर भागों में बांट लें एक रोलिंग पिन का उपयोग करके भरने को केंद्र में रखें अगला आटे के किनारों को चुटकी में एक लहरदार आकार बनाते हुए दी स्टीम्ड केक केक को मोल्ड करने के बाद केक को लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें। केक को आराम करने दें। इसके बाद केक को स्टीमर में डालें तरकीब यह है कि आपको भाप के पानी के नीचे और सिरका डालना चाहिए ताकि पपड़ी का रंग सुंदर सफेद हो जाए केक को पकने तक स्टीम करें फिर इसे निकालकर प्लेट में रखें और तुरंत इसका आनंद लें। तीन आवश्यक तैयार उत्पाद सेम्वई से भरे पकौड़े की इस रेसिपी के साथ आपको स्वादिष्ट समृद्ध केक का एक बैच मिलेगा जिसे आप बिना बोर हुए हर समय खा सकते हैं पपड़ी नरम और स्पंजी होती है पीला नहीं मांस आकर्षक गर्म होता है इसे खाने वाला हमेशा याद रखेगा और कभी नहीं भूलेगा चार कुछ जरूरी सूचना पकौड़े बनाने के लिए आटा गूंथते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आपको आटा गूँधा हुआ दिखाई दे रहा है तो आपने बहुत अधिक पानी डाला है इसलिए आटे को गूंदने से बचाने के लिए आपको बस धीरे धीरे पानी डालना चाहिए आटा डालना और गूंधना चाहिए जब तक कि आपको अपनी पसंद का आटा न मिल जाए केक को बहुत लंबे समय तक न रखें या मिश्रण प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर का उपयोग करें क्योंकि इससे केक के आटे में खट्टी गंध आ जाएगी क्या मैदा का इस्तेमाल पकौड़े बनाने के लिए करूं? आटे का मुख्य उपयोग आटा को तेजी से और अधिक समान रूप से किन्द्रित करना है तो आप इस आटे का इस्तेमाल मीट के पकौड़े बनाते समय कर सकते हैं हालांकि आटे की मात्रा के अनुसार आटे की मात्रा को सावधानी पूर्वक समायोजित करने की आवश्यकता है यदि बहुत अधिक जोड़ा जाता है तो आटा खट्टा हो जाएगा पकौड़ी कब खानी चाहिए किसके साथ खाना अच्छा है पकौड़े खाने में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि इस समय पपड़ी बहुत नरम होती है अंदर की फिलिंग गर्म होती है बेहद आकर्षक होती है यदि बहुत देर के लिए बाहर छोड़ दिया जाए तो पपड़ी गीली और चपती हो जाएगी केक का स्वाद अब स्वादिष्ट नहीं होगा वियतनामी लोगों को अक्सर किसी भी समय पकौड़ी खाने की आदत होती है जैसे नाश्ता नाश्ता या भूख लगने पर आमतौर पर केक को किसी अन्य सामग्री के साथ परोसने की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है तो स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसे चिली सॉस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं पकौड़ी को कैसे संरक्षित करें यदि आप यह सब नहीं खा सकते हैं तो आप केक को फ्रिज में रख सकते हैं इस तरह यह केक को लगभग एक हफ्ते तक रखेगा भोजन करते समय आपको बस केक को भाप देना है अगर आप केक को फ्रीजर में रखते हैं तो इसे दो हफ्ते तक स्टोर किया जा सकता है मांस के साथ पकौड़ी बनाने के तरीके के साथ बहुत उधम मचाने वाला या जटिल नहीं है आपके पास अपने परिवार का तुरंत इलाज करने के लिए एक स्वादिष्ट गर्म स्टीम्ड मीट बन है यदि आपके पास समय है तो आप पकौड़ी बनाने के और तरीके सीख सकते हैं रेसिपी भी जल्दी और सरल है घर पर इस स्वादिष्ट केक को बनाते समय आपकी सफलता की कामना करता हूँ यूरेशियन बेकरी शिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मुफ्त परामर्श सहायता के लिए कृपया नीचे रजिस्टर या लाइक बटन में अपनी जानकारी छोड़ दें।